दोस्तों देश के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है भाई। अभी हाल में एक बार पहले भी प्रदर्शन हुआ था और आज फिर LIC के तमाम अभिकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। सेक्टर 16 फरीदाबाद से लाइव हूँ, शाखा 12R। पहले कभी LIC के अभिकर्ताओं को प्रदर्शन करते नहीं देखा गया, लेकिन पहली बार है। शायद सरकार ने कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है कि अभिकर्ता नाराज हैं। अभी बात करते हैं, जुड़ जाए। ये देखें LIC दफ्तर है, ये देखें सेक्टर 12R शाखा 12R फरीदाबाद। अभी बात करते हैं। हाँ जी सर, बताएंगे क्या परेशानी है, किस लिए आप लोग धरने बैठे हैं? हाँ जी मिश्रा जी बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो है कि जो अभी सुनने में आया, IRDA के द्वारा और हमारे LIC के अधिकारियों के द्वारा, कि कमीशन कम किया जा रहा है। अच्छा, कमीशन कम किया जा रहा है, कुछ हमारी सुविधाएं हैं उनको कम किया जा रहा है। पहले हम लोगों को जैसे बीमा मिलता था, अच्छा, और हम लोग इतने पुराने यहाँ जो जुड़े हुए हैं एक साथ, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। किसी अधिकर्ता के साथ अगर कोई भी दुर्घटना घट जाए उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, और ऊपर से जो कमीशन वो कमाता है, जैसे भी अपने परिवार को चलाता है, उसको भी कम करने के लिए इनका प्रयास हो रहा है, और उसके लिए पूरी रूपरेखा। कमीशन पर GST वगैरह लगाई जा रही क्या? GST लगा दी गई है? GST नहीं लगाई जा रही है, उसको कम आधा कर दिया जा रहा है। अच्छा, सीधा आधा कर दिया जाता है, GST की तो बात ही अलग है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो 30-40 साल से शायद LIC में ही काम कर रहे हैं, जो है उनका पूरा जीवन निकल गया, जीवन लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद अभी ये स्थिति आ गई है, तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, इस बात की डिमांड है। और सारी ज्यादातर पॉलिसियों को इन्होंने ऑनलाइन, अच्छा, दूसरे प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, कॉरपोरेट एजेंसीज हैं, उनको देते जा रहे हैं हमारे पास से हटा के, और उनको हमारे कमीशन को कम कर रहे हैं, उनको और ज्यादा दे रहे हैं। मिश्रा जी, जहां तक मैं जानता हूं, LIC सरकार की इकलौती ऐसी कंपनी थी जो कभी घाटे में नहीं रही, सरकार को कमा कमा के देती थी। आज भी नहीं। फिर कैसा ऐसा क्यों कर रही सरकार? जो सरकार की नीतियां हैं, IRDA में बैठे लोग प्राइवेट प्लेयर जितने भी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, या तो मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसके साथ साठगांठ करने के वजह से ये LIC को डाउन करके उन कंपनियों को आगे बढ़ाने की एक साजिश है। अच्छा, ये मुहिम के तहत ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं तमाम लोग धरने। सबसे पुराना कौन है यहाँ LIC का, कोई बताएगा? जो है पाठक जी, पाठक जी आप बताएं। जो है तो पाठक जी हैं, बहुत पुराने एजेंट हैं, LIC की बात करते हैं। पाठक जी, क्या परेशानी आ गई? आपने लगभग कितने साल हो गए आपको LIC में काम करते? 32 साल हो गया। जो है अब क्या परेशानी आ गई? परेशानी ये है कि ये नियम लागू करते हैं एजेंट को डाउन करने के लिए। अच्छा, वैसे कहते थे कि एजेंट जो है ना रीढ़ की हड्डी है। हाँ, और रीढ़ की हड्डी में खाली हड्डी छोड़ रहे हैं, मांस को सारे को निकल, अच्छा, छोड़ रहे हैं। हाँ, मांस को सारे को नोच रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि एजेंट से काम तो लें लेकिन इसको कमीशन न दें। अच्छा, पहले आदमी से जो ना 12 पॉलिसी 14 पॉलिसी कराया जाता था, ठीक ठाक से रहते थे, सभी लोग काम करते थे। आज अगर कोई आदमी पॉलिसी करके नहीं ला रहा है तो उससे तुम तड़क करके भी बात होती है। अच्छा, अधिकारी बात करते हैं? अधिकारी बात करते हैं, पॉलिसी क्यों नहीं लाया भाई, बात करने का सिस्टम ही चेंज है। अच्छा, और वो कहता है कि सर आज नहीं मिली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बोले कोशिश क्या कर रहे हो, औरों को नहीं देखते हो? हाँ, औरों के पास भी तो एजेंट है, वो तो करके लाया आज 2 पॉलिसी, तो तुम्हें तो एक लानी थी। सबसे बड़ी बात है कि बोलने का लिहाजा जो है ना वो ठीक नहीं है, और एजेंट भी अब जो है ना थोड़ा सा सहमा रहता है कि एक तो कमीशन कम, LIC में बोनस कम, और GST बढ़ा दिया। GST से लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है, कम से कम GST को खत्म करें, और GST खत्म हो जाए तो आगे से लोग अपना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना शुरू करेंगे। GST से बहुत फर्क पड़ रहा है लोगों पे। पाठक जी,
मान लीजिए लगभग 20 साल 25 साल पहले आपने किसी का बीमा किया और आपने उनसे बोला कि आप 1 लाख रुपया जमा करोगे तो आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतना मिलेगा, आपने ऐसा बोला होगा। हाँ जी। लेकिन क्या उतना आप मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ग्राहक आप पर नाराज होते होंगे कि आपने क्या बोला, होते हैं कहते हैं कि भाई आपने क्या बोला था और क्या मिल रहा है। जो आपने कहा था उतना तो मिल ही नहीं रहा है, तुम तो हमें बेवकूफ बनाते हो, इस तरह की बातें करते हैं ग्राहक भी। क्योंकि काफी सरकार ने जो कुछ था, देखिए बोनस को कम कर दिया ना, रेट ऑफ बोनस कम करके लोगों के लिए जो और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, मतलब सरकार आप लोग जो पैसा जमा करते हैं जो इकट्ठा होता है सरकार उसे लोन पे देती है किसी को, लोन पे तो अपना इंटरेस्ट बढ़ा लिया जो है, लोन का तो इंटरेस्ट बढ़ा दिया लेकिन हमारा जो कमीशन है वो कम कर दिया जो है और बोनस कर दिया कम कर दिया जो है, बोनस कम कर दिया जिससे पार्टी को जो पैसा मिलना था वो भी कम हो जाए। पहले 18 साल में डबल हो जाता था, फिर 20 साल में डबल होने लगा, अब कहते हैं कि 21 साल में भी डबल से थोड़ा सा कम रहेगा, 5,000 कम रह जाएगा। कम कर दिया है। पूरे देश में कितने लाख एजेंट हैं LIC के? 13 लाख से ज्यादा ही एजेंट है, 13.5 लाख के करीब। मतलब आप जो ये 13-14 लाख लोग हो जो है, आप सबने ही इकट्ठा किया पैसा? हाँ जी। टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं LIC में इस समय? तो अरबों की संपत्ति, अरबों खरबों में होगा जो है। मतलब आपकी मेहनत का पैसा है जो इकट्ठा हुआ है LIC में आया है और सरकार उसको लोन पर उठाकर तगड़ा ब्याज खा रही, लेकिन आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है जो। करोड़ तो लगभग है रिजर्व फंड, इधर आ जाइए, तो देना नहीं है लगभग। अच्छा, LIC के पास कितना है? 70,000 करोड़ लगभग LIC के पास वो पैसा है जो किसी को देना नहीं है। अच्छा। जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर पॉलिसियां करा के बंद करके छोड़ चुके हैं, अच्छा, वो पे नहीं करना है। हाँ। और उसके बाद भी LIC की ये बंदिशें हैं तो या तो सरकार की नीतियां इनके ऊपर हावी हैं या ये इस पैसे का कुछ ना कुछ अनुचित उपयोग करना चाहते हैं LIC वाले। सुविधाएं कुछ देते नहीं है। हमारे लिए पर्याप्त रूप से अभिकर्ताओं की संख्या के अनुसार किसी भी ब्रांच में पर्याप्त कुर्सियां और पर्याप्त जगह नहीं है कि आप यहां बैठ करके इत्मीनान से अपना काम या अपने ग्राहक को बैठा सके, वो भी नहीं है। अच्छा। तो इतना पैसा किस काम का, क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। जो कुछ भी अगर हम लोग बोलते हैं तो उसका ये हर जाना हमें भुगतना पड़ता है कि बंदिशें हमारे ऊपर शुरू हो जाती। कितने करोड़ पॉलिसी धारक होंगे टोटल LIC के पास? 36 करोड़। सबका नुकसान है इसका मतलब। एक बार सर हमारे डिमांड्स के मुद्दे को भी कवर कर लीजिए। ये देखिए ये सारी हमारी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जोनल ऑफ इंडिया का प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, पूरे देश में हो रहा है दोस्तों, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, देख सकते हैं तमाम आ गए हैं। भाई साहब कुछ बोल रहे थे तारे क्या? हाँ बताएं। हाँ सर, ये जो आज हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये हमारा एक विश्राम दिवस हो सकता अच्छा। है पूरे देश में। अच्छा अच्छा। हमारे LIC की जो संस्था जो हमारे पूर्व जो एजेंटों ने स्थापित की थी 1964 में की थी, उसी के बैनर तले हम आज यहाँ विश्राम दिवस पे। अच्छा। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एजेंट साथी संगठित होकर कोई काम नहीं करेंगे, कोई BOC नहीं कटाएंगे। अच्छा। कोई नया बीमा नहीं करेंगे। अच्छा। कोई ग्रीन चैनल नहीं करेंगे। हाँ। कोई आनंदा नहीं करेंगे। कस्टमर डायरेक्ट आता है, हम उसे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये इस विरोध में किया जा रहा है कि जो IRDA है, जो एजेंटों की जड़ों को हमेशा के लिए खत्म करता जा रहा है, क्योंकि IRDA में जो अधिकारी गण बैठे हुए हैं वो LIC के रिटायर्ड अधिकारी गण हैं, उनके ऊपर प्राइवेट कंपनियों का प्रेशर है। अच्छा। वो किस वजह से प्रेशर है मुझे नहीं पता, वो सभी जानते हैं किस वजह से प्रेशर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं कि LIC का बिजनेस डाउन जाए और प्राइवेट को बढ़ावा मिले। अच्छा। दूसरी बात, हमारा जो आज दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें मनाया जा रहा है कि IRDA एक रूल और ला रहा है कि डीमैट अकाउंट जिसका होगा हम केवल उसी का बीमा कर पाएंगे। अच्छा। चाहे आपके पास 2-व्हीलर है, चाहे 4-व्हीलर है, चाहे मेडिक्लेम है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर लेनी है तो आपको डीमैट अकाउंट होगा तो ही मिलेगी। अच्छा। नहीं मिलेगी। अब हम मीडियम समाज में देहात में रहने वाले आदमी है, शहर वाले तो डीमैट खुलवा सकते हैं, हमारे जो मीडियम वगैरह क्या जानता है। शहर में भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, उनके पास अकाउंट नहीं है जो। हम घर घर जाके झुग्गी झोपड़ियों में जाके बीमा करते, वो क्या समझेगा डीमैट अकाउंट। इसका एक मुद्दा तो ये है इसके विरोध में। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी तक हम LIC में क्यों आए, हम इसलिए हम अपने लिए नहीं आए, हम अपने लिए तो फल की रेहड़ी लगा सकते हैं,
मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए आए, क्योंकि LIC ने 1956 में जब स्थापित हुई थी तो ये नियम बनाया था कि अगर मेरी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है और मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ यानी मेरी नॉमिनी को हेरिडिटी कमीशन मिलता रहे, इसलिए हम आए। अब उसके लिए IRDA क्या लाने जा रहा है कि कस्टमर एजेंट पोर्ट कर सकता है। अच्छा, कस्टमर चाहे तो एजेंट चेंज कर सकता है। अच्छा। तो हमारा LIC में आने का क्या औचित्य रह गया? अब उसमें मिसयूज करेगा कस्टमर, कस्टमर क्या मिसयूज करेगा, मैं पॉलिसी ले ली, डिमांड करते हैं लोग बाग कमीशन, मैं नहीं देता, लोग बाग दे देते हैं जो भाई कमीशन दे आया अगले साल, भैया 1,00,000 का प्रीमियम है, 5% कमीशन मिलेगा, तो मैं 2,000 रुपया 2,500 रुपया मुझे देते हो तो मैं लेटर लिख देता हूँ, आप मुझे देने के लिए तैयार हो, तो क्या कुछ हमारे साथ ही उसी काम में लग जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये दो मेन मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये हमने रेस्ट डे मनाया है। हम कोई किसी अधिकारी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे, LIC के ऊपर नहीं, क्योंकि ये जो IRDA की कमी है, LIC की प्रॉपर कमी नहीं है, ये सभी के ऊपर लागू होगा, जो एजेंट पोर्टेबिलिटी का है सभी के ऊपर होगा। और रही बात हो, आज हम मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एजेंट साथी जो 12R ब्रांच ओल्ड फरीदाबाद की जो ब्रांच है उसके साथी अभी तक संगठित नहीं हुए थे, आज मुझे सीना बड़ा चौड़ा हो रहा जा रहा है कि मेरे साथी संगठित हो गए हैं और आज इन्होंने खुद ही एक डिमांड की है कि हमारे एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि सभी को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऑफिस में जब जाते हैं अकेला भी करता जाता, ओए तू बाद में आना, अच्छा अभी मैं चाय पी रहा हूँ, उससे तू तड़ाक, बदतमीजी से बात की जाती है। लेकिन जब एक संगठन होगा, हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा, या चार बंदे जाएंगे, हम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, तो उनसे प्यार से करेंगे, भैया ऑफिस की भाषा ऑफिस में यूज करो, ये क्या भाषा है। तो उससे हमारे एजेंट साथियों को बढ़ावा मिलेगा और हम सभी साथियों ने ये तय किया है कि हम हर महीने एक मीटिंग करेंगे संगठन बना के, और जो भी चंदा होगा वो करेंगे और मिलके काम करेंगे और पार्टी को बेहतर सर्विस देंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं तमाम अंकल जी कुछ बोलेंगे। हाँ जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो ये संगठन के द्वारा मीटिंग हो रहा है, ये यही पे नहीं हो रहा है। अच्छा, पूरे देश सिर्फ फरीदाबाद में नहीं हो रहा है। मैं IRDA को संगठन अपने संगठन के द्वारा चेतावनी देता हूँ, या पूरे देश के संगठन के द्वारा चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आपको हम नीचे ला देंगे, अगर आप नहीं सुधरे तो हम सुधार देंगे, हम पूरे संगठन के लोग एक हैं, इसलिए आप ये सारे नियम ये सारे कानून वापस लो, जो भी पोर्टेबिलिटी है, एजेंट की कमीशन है, या कस्टमर के बेनिफिट जो काटते जा रहे हैं, वो सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको हम नीचे धरातल पे लाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारे सारे संगठन के लोग एक हैं, भारत माता की, भारत माता की, हमारा संगठन, हमारा संगठन, हमारा संगठन, जय हिंद। हम लोग बैठे हैं, अभी करता संगठन जिंदाबाद, अभी करता संगठन जिंदाबाद, अभी करता संगठन जिंदाबाद, फरीदाबाद संगठन जिंदाबाद, फरीदाबाद संगठन जिंदाबाद, फरीदाबाद संगठन जिंदाबाद, ब्रांच 12R के संगठन जिंदाबाद, ब्रांच 12R के संगठन जिंदाबाद, ब्रांच 12R के संगठन जिंदाबाद, हम सब एक हैं, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा तक से पुष्कर सिंह राज।